हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज़ आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी एपिसोड 1 के बारे में। आप सब लोगों ने इस पर रिक्वेस्ट करी हुई थी कि मैं पूरी लोकी सीरीज को कवर करूँ, सो हियर इज अ वीडियो फॉर यू ऑल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर अभी आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। ऑलराइट देन, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ वैसे ही जैसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था और एवेंजर्स जब ईयर 2012 में आई थी वो वाले सीन से, यानी कि लोकी को पकड़ लिया गया है न्यूयॉर्क सिटी में और उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में सेंस एक डिफरेंट टाइमलाइन शुरू हो गई थी। हल्क जब स्टेयर से उतरता है, जो प्रेजेंट टाइमलाइन वाले टोनी स्टार्क के हाथ से फिर सूटकेस गिरता है जिसमें टेसरैक लगा था, और लोकी उस टेसरैक को लेके टेलीपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे सब पीछे चला रहे हैं, लोकी 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 की आवाज़ दे रहे हैं, बट लोकी अब जा चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, जो कि बहुत ही रेगिस्तानी इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड यहाँ पे लोकी टेलीपोर्ट होके पहुँचता है। तो मतलब यहाँ पे अभी तक ईयर 2012 चल रहा है। सिंस अब लोकी मंगोलिया के एक डेजर्ट में है, वहाँ के लोग आके पूछते हैं लोकी से कि तुम कौन हो, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन तभी होता ही है कि लोकी के साइड में सामने से कुछ ऑफिसर्स निकल के आते हैं एंड लोकी को पकड़ने के लिए आते हैं। जो ऑफिसर्स है टीवीए के, यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी। यहाँ पे टीवीए के ऑफिसर्स कहते हैं कि तुमने सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ा है, तुमने ओरिजिनल टाइमलाइन थी उसके साथ खिलवाड़ करी है और तुम इस चीज़ के लिए क्रिमिनल हो, हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे लोकी वैसाबाजी करते हैं कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो क्या कुछ नहीं कर सकता, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन होता ये कि टीवीए के ऑफिसर उसके बहुत तेज मुक्का मारती है, जो कि 1/16th ऑफ स्पीड से इतना स्लो कर देती है। एंड यहाँ पे लोकी को कैप्चर कर लिया जाता है। तो बेसिकली टीवीए टाइम को भी धीरे कर सकती है, टाइम को स्टॉप कर सकती है। लोकी को पकड़ के लेके जाया जाता है एंड यहाँ पे ऑफिसर कहती है कि जो टाइमलाइन है उसको ठीक करो, तो बेसिकली वो टाइमलाइन को ठीक भी कर सकते हैं। एंड लोकी अब टीवीए के हेडक्वार्टर्स में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्क्रल भी मौजूद है और भी कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने डेफिनेटली टाइम के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ करी है, इसलिए उनको यहाँ पे लेके आया जा चुका है। लोकी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और लेडी ऑफिसर जो थी बार बार उसको टाइम रीसेट कर करके इसको वापस बुला लेती है, तो बेसिकली लोकी भाग भी नहीं पाता। और ये जो लेडी ऑफिसर है इसका नाम है हंटर B-15, ये ऑफिशियल नेम इसको दिया गया है टीवीए में। और यहीं पे टेसरैक को जमा भी कर दिया जाता है। लोकी को आगे एक लिफ्ट में भेजा जाता है जहाँ पे कंप्यूटर होता है और लोकी वो कपड़े चेंज कर देता है। उसके बाद फिर लोकी एक रूम में पहुँचता है जहाँ पे आज तक लोकी ने जो भी कुछ कहा है, इवन अ सिंगल वर्ड, उसे वेरीफाई करने के लिए उसे कहा जाता है कि यहाँ पे साइन करो। आगे लोकी को एक और वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है कि जहाँ पे उसको कंफर्म करने की वो रोबोट नहीं है। खैर, ऑब्वियसली बात है लोकी रोबोट नहीं है, एंड उस टेस्ट को भी वो वेरीफाई करके पास कर देता है। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे फिर लोकी से कहा जाता है कि जाके टिकट लो। एंड यहीं पे हम एक जगह देख भी सकते हैं कि पीछे लिखा हुआ है बिहेव क्लॉक क्लीन। उसी के साथ लेफ्ट में हम देख सकते हैं कि एक आई का सिंबल है जो कि टीवीए का सिंबल है। एंड ये दर्शाता है कि टीवीए की नज़र हर जगह है, हर चीज़ पर नज़र रख सकते हैं। फिर लोकी आगे टीवी में मिस मिनट नाम का कार्टून होता है जो कि उसको पूरी स्टोरी बताता है कि टीवीए की है क्या। दरअसल में आज से बहुत सालों पहले मल्टीवर्स में एक लड़ाई छिड़ी थी जिसकी वजह से टाइमलाइन बनती बिगड़ती रही। आगे हमको ये जानने के लिए मिलता है दरअसल में जब ये यूनिवर्सल वॉर छिड़ी थी अलग अलग मल्टीवर्स के बीच में, तो उसे टाइमलाइन बनती बिगड़ती रही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तब यहाँ पे 3 टाइम कीपर्स निकल के आए जिन्होंने सबको सॉर्ट आउट किया एंड एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई जिसको हर किसी को फॉलो करने, और अगर कोई इसको उल्लंघन करने की कोशिश करता है, कोई भी इसको तोड़ने की कोशिश करता है, कोई भी शॉर्टकट पाने की कोशिश करता है, उसको पनिश किया जाता है टीवीए के थ्रू। एंड टीवीए का बेसिकली काम यही है कि जो सीक्रेट टाइमलाइन है वो नेचुरल रहे, उसमें कुछ भी बदलाव ना आए। बदलाव आएगा तो टीवीए को उसे ठीक करना पड़ेगा। ये है बेसिकली टीवीए की कहानी कि वो टाइमलाइन को ठीक रखना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रांस ईयर 1592। यहाँ पे एक मर्डर हो चुका है एंड मोबियस जो कि टीवीए का एक ऑफिसर है उस मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर उसको बच्ची भी दिखती है जिसके नीले दांत हैं और उसने यहाँ पे कुछ डेफिनेटली एक गम चबाई है जिसको दिखाती है। यहाँ पे मोबियस अपने ऑफिसर से कहता है कि जाओ पता करो कि ये जो गम है ये कौन से टाइमलाइन से है, कहाँ से आई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जब मोबियस बच्ची से पूछता है कि ये किसने किया, यहाँ पे जो भी कुछ मर्डर हुआ है ये किसने किया है, तो इशारा करती है एक डेविल की तरफ। उसके बाद फिर एक उसका ऑफिसर मोबियस के पास पहुँचता है एंड लोकी की फाइल लेता है एंड कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। आगे हम देखते हैं कि ट्रायल चलना शुरू हो चुका है लोकी पे कि उसने समय का उल्लंघन किया है। फिर आगे उसको गिल्टी चार्ज किया जाता है, लेकिन लोकी कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, गिल्टी टोनी स्टार्क है फिर एवेंजर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे दो टोनी स्टार्क थे, तो यहाँ पे एवेंजर्स की गलती है, मैं गिल्टी नहीं हूँ। लेकिन जज होती हुई कहते हैं तुम्हारी गलती है कि तुम वहाँ से टेस्ट्रैक लेके भागे, तुमने जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी सेक्रेट टाइमलाइन थी उसके साथ खिलवाड़ करी। ऑल्सो यहाँ पे लोकी अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल अब नहीं कर सकता है, और फिर जज उसको वहाँ पे रीसेट होने की सज़ा देती है। यहाँ पे जो मोबियस होता है वो जज साहिबा के पास पहुँचता है, कहता है कि मुझे एक मौका चाहिए लोकी के साथ।
लेकिन जज कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी मोबियस। वो कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। और फिर मोबियस लोकी को अपने साथ उसके ऑफिस लेके जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे ध्यान सुने तो यहाँ पे एक नाइटमेयर का भी डिपार्टमेंट है, मतलब जो आपने बुरे सपने देखते हैं उसका भी यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है टीवीए में। टाइम जो नॉर्मल तरीके से काम करता है वहाँ पे नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते, कभी कभी स्लो भी है कभी फास्ट भी है, इसलिए एग्जैक्टली मूवीज को भी नहीं पता कि वो टीवीए में कब से काम कर रहे हैं। और जो भी कोई टाइम का उल्लंघन करता है यानी कि टाइमलाइन को तोड़ता है उसको वेरिएंट कहा जाता है, उस क्रिमिनल को वेरिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पे लोकी भी एक वेरिएंट है। और यहाँ पे ऑफिसर मूवीज का ये काम है कि वो ऐसे ही वेरिएंट्स को कैच करता है जो भी टाइम को तोड़ते हैं। आगे मूवीज के पास लोकी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे लोकी से पूछा जाता है कि अगर तुमको यहाँ पे छोड़ दिया जाए, तुमको आज़ाद कर दिया जाए, तुम यहाँ पे क्या करोगे? तो लोकी बताता है कि मैं पहले मिडगार्ड यानी कि अर्थ को कॉन्कर करूंगा, फिर एसगार्ड का किंग बनूंगा, फिर धीरे धीरे नाइन रियल्म्स का किंग करूंगा, एंड ऐसे धीरे धीरे वो हर किसी का राजा बनता जाएगा। यहाँ पे मूवीज पूछते हैं कि क्या तुम स्पेस के यानी कि अंतरिक्ष के तुम किंग नहीं बनना चाहते? लोकी कहते हैं मैं हर जगह किंग बनना चाहता हूँ। फिर मूवीज कहता है अगर तुम ठीक है तुम हर जगह किंग बन गए फिर आगे क्या? लोकी बताता है मैं हर जगह किंग बन के लोगों को आज़ाद कर दूंगा, फ्रीडम दूंगा उनको। आगे मूवीज जितना भी लोकी ने पास्ट में जो भी कुछ किया है, खासतौर पर एवेंजर्स फिल्म में जो 2012 में उसमें जो भी कुछ किया है उसको दिखा देगा कि जलील करता है, कहता है इसका तुमको सब कुछ करने के बाद तुमको मिलता क्या है? तुमने अगर लोगों को जान ली, लोगों को मारा, लेकिन फिर मिला क्या तुमको? उसका धीरे धीरे जलील करता है लोकी को। आगे हम एक और करदूत देखते हैं लोकी की, जब वो फ्लाइट में से यहाँ पे कुछ पैसे लेके फरार हो गया था। तो बेसिकली लोकी ने अपने पास्ट में काफ़ी सारे मिसचीफ्स किए हैं। आगे मूवीज लोकी को उसका फ्यूचर दिखाते हैं कि अगर तुमने टाइमलाइन बर्बाद नहीं की होती और तुम्हारी वजह से आगे जाके यानी कि थॉर 2 में जो हुआ उसकी मॉम मारी जाती है। लोकी सिर्फ अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनके क्लोज था, एंड लोकी ये बात सह नहीं कर पाता। लोकी को बहुत गुस्सा आता है। लोकी फिर से हमला करने की कोशिश करता है मूवीज पे, लेकिन मूवीज टाइम ट्विस्टर का इस्तेमाल करके वापस लोकी को उसकी जगह पर दिखा देता है। कहता है कि तुम्हारी किस्मत में यही है कि तुम हमेशा गलत ही करोगे, तुमको उसमें मज़ा आता करने में, और उसकी वजह से कुछ लोग हैं जो हीरो बनते हैं, उसका इशारा था एवेंजर्स की तरफ, तो हमेशा से ऐसा करते रहो। इसलिए मैंने तुम्हें सवाल पूछा था कि तुमको मज़ा क्या आता है, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों को तकलीफ और हर्ट करने से? लेकिन अब यहाँ पे लोकी के बर्ताव में बदलाव देख सकते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि लोकी एक्चुअली समझ पा रहे, लोकी को रियलाइजेशन हुआ है कि उसके एक्शंस के कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। खैर तभी यहाँ पे हंटर B-15 आती है एंड कहती है यहाँ पे कोई सिचुएशन आ गई है एंड आपको हमारे साथ चलना होगा, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है। हंटर B-15 मूवीज से कहती है कि तुमको रीसेट कर देना चाहिए था लोकी को और तुमने रीसेट नहीं किया, तुम्हारी गलती है। मूवीज कहते हैं तुम तो चाहती हो कि हर किसी को रीसेट कर दिया जाए, पर लोकी को रीसेट करने की वजह से पहले बात करनी चाहिए थी, मैं उसे ऑलमोस्ट फ्लो में पहुँच चुका था, बहुत कुछ निकलवाने वाला था मैं, पर तुमने इंटरप्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हंटर B-15 कहती है कि वी हैव लॉस्ट अनदर यूनिट, हमने एक और यूनिट को खो दिया है। मूवीज जब वापस इंटरोगेशन रूम में पहुँचता है तो वो देखता है कि लोकी वहाँ से गायब है और वो अपना वही टाइम ट्विस्टर लेके भाग चुका है। फिर हंटर B-15 उसकी आर्मी और मोबियस सब हर जगह सर्च करना शुरू करते हैं लोकी को, लोकी गया तो गया था। लोकी पहुंचता है उसी डेस्क वाले गाय के पास जिसका नाम केसी है, जिसके पास टेस्टरैक था। लोकी से कहते हैं मैं टेस्टरैक दे दो। केसी के ड्रॉअर से जब टेस्टरैक लेता है लोकी, वहां पे देखता है कि बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हैं, एंड केसी बताते हैं कि ऐसे इन्फिनिटी स्टोन्स हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है एंड उनको हम एज अ पेपर वेट इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हंटर B-15 उसकी टीम उसको लोकी को पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन अगेन लोकी टाइम ट्विस्टर का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट करके चले जाते हैं एंड पहुंचते हैं वापस उसी इंटीग्रेशन रूम में। लोकी फॉरवर्ड कर करके देखते हैं कि उसकी लाइफ में आगे हुआ क्या। वो अपनी मदर की डेट देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स देखता है जिसमें वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। देखते हैं कि थॉर और लोकी कैसे एक दूसरे क्लोज आने शुरू हो गए थे। एंड फिर वो आगे देखता है थैनोस को, जब थैनोस लोकी को मार डालता है। लोकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर यहीं पता है एंड ऑफ फाइल, मतलब लोकी मर गया तो उसकी फाइल भी ख़त्म एंड लोकी का यहाँ पे एंड वो अपने आप का देख लेता है। फिर लोकी हंसने लगता है कि मतलब ये जो मैं ओरिजिनल एंड होने वाला था ये तब हुआ ही नहीं, अब बेसिकली डिफरेंट टाइमलाइन की वजह से जो मैंने नई टाइमलाइन शुरू कर दी है उसमें जिंदा हूँ। आगे हंटर B-15 आती है, लोकी से लड़ना शुरू करती है, लेकिन लोकी उसी टाइम ट्विस्टर का इस्तेमाल करके हंटर B-15 को बार बार लेके आते रहते हैं, बार बार आता है लेके जाता है वापस, ऐसे बार बार करते रहते हैं, क्योंकि जो लोकी के गले में पट्टा बना था अब वही पट्टा जिससे बेसिकली किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है उसी टाइम ट्विस्टर के थ्रू, वो हंटर B-15 के गले में बांध चुका था। आगे होता ही है कि यहाँ पे लोकी अब रियलाइज़ कर चुका है कोई पॉइंट नहीं है ऐसा भागने का। इनफैक्ट यहाँ पे टेस्टरैक्ट या फिर कोई भी अनंत मणि या फिर इन्फिनिटी स्टोन काम ही नहीं करते, ये बात वो मूवीज को ही बताते हैं। मूवीज से पूछता भी है कि क्या कोई तरीका है कि वापस मैं अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में चले जाऊँ। मूवीज कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मूवीज कहते हैं देखो यहाँ पे मैं तुमको फ्रीडम तो ऑफर नहीं कर सकता हूँ, बट उसकी जगह मेरे पास एक और जगह है जहाँ पर तुम काम आ सकते हो, वो ये है कि हमारे मिनटमैन को यहाँ पर कोई ना कोई एक इंसान मार रहा है, कौन मार रहा है उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर लोकी यहाँ पे पूछता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ उस वेरिएंट को ढूंढने में, एंड यहाँ पे मूवीज कहते हैं क्योंकि
वो जो भगौड़ा है वो या फिर जो वो वेरिएंट है वो तुम ही हो। एंड गाइस अगर आप लोग मुझको रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आपसे कुछ वीडियोस पहले बताया भी था कि यहाँ के जो इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है इज गोइंग टू बी नन अदर देन लोकी, मतलब लोकी होगा लेकिन दूसरे टाइमलाइन का। एंड ये प्रेडिक्शन सही निकला। आगे हम देखते हैं सलाइना ओक्लाहोमा में, ईयर 1858। आगे हम देखते हैं कि कुछ मिनट मैन यानी कि टीवी के ऑफिसर्स पहुँचते हैं पकड़ने के लिए उसी वेरियंट को, लेकिन उस वेरियंट ने वहाँ पे उस जगह घास में तेल गिरा के पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, जैसे मिनट मैन आएंगे वहाँ पे आग लगा देगा। एंड ऐसा करता भी है, वहाँ पे आग लगा देता है एंड सारे सारे मिनट मैन मारे जाते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड और आज के एपिसोड से रिलेटेड वो जाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस एपिसोड में और आपके पास खुद की कोई फैन थ्योरी हो वो भी जाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।